तुमसे अच्छे तो काम नहीं थी यार, कम से कम बढ़िया तो मेरी एक्स थी, कम से कम जोर के गेट मारा गाड़ी हिला दी पूरी। काम कर लो यार, तुम चुपचाप चल लो घर से, देख रहे हो तुम्हारे ड्रामे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अनसोल्ड। कैसे हो आप लोग? तो भाई ना कम से कम एक हफ्ते बाद मिलना हो रहा है, तो बेसिकली ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी भी रजाई के अंदर हूँ मैं। तो भाई आज सुबह के ऊपर ना एक प्रैंक करने वाला हूँ, और प्रैंक भी क्या करने वाला है, जैसे सुबह से उठा और मेरी आँख खुली है ना, मुझे मेरी एक्स की बहुत याद आ रही है। तो अब कुछ लोग बोलोगे शकल देख के, देख कम से कम एक्स की बात करता तेरे पे तो भाई भी नहीं होगा। तो भाई अपने पास सब है, ए से लेके जेड तक सब है अपने पास, उसकी टेंशन नहीं है। तो फिलहाल अभी सुधा भी किचन में खड़ी है और नाश्ते से तैयारी कर रही है, और आज पूरे दिन आज उसको परेशान करने वाला हूँ। मतलब जहाँ भी मोमेंट मिलेगा ना, वहाँ से जरूर रियलाइज कराऊंगा कि यार देख, अगर तेरी जगह वो होती ना, मतलब कि एक्स होती तो ऐसा होता वैसा होता। और बेसिकली क्या, अभी हमें थोड़ी देर बाद ना, अभी हमें बाहर भी जाना है, तो फिलहाल अभी नाश्ता सा करके और थोड़ी देर में निकलते हैं हम बाहर के लिए। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे वीडियो के बीच में, बाय। बिस्तर में ठंडा हो रहा होगा, वाले गरम कर रखा मैंने, हीटर लगा रखा था उसमें नीचे बिन्नी हीटर। हो गया ठीक है, करो। एक बात बताओ, क्या कब तुम्हारे साथ हुआ ऐसा? क्या हुआ? मतलब कि किसी के चले जाने के बाद उसकी याद सताती हो हर पल, ऐसा लगता हो कि काश वो होता, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी? मतलब कि कभी किसी बंदे की कमी खलती है कि हाँ भाई यार, मतलब कि वो होता तो यार ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता, मतलब कि याद आए, मतलब जैसे कुछ भी किसी भी टाइम? क्यों नहीं होता, मुझे पापा की इतनी याद आती है, होता क्यों नहीं है? अच्छा ऐसा ही है यार, जमाना ऐसा ही है, किसी के होते हुए कदर नहीं होती, बाद में जाके इंसान को दुनिया का दस्तूर है ये। पापा के अलावा? मतलब कहना क्या है चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरा। हो भी हो तो याद आती है जब नहीं होते इंसान आपकी लाइफ में तो। चलो यार लेट भी तो हो रहे है। होता यार, मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा। तुमने किसको खो दिया जो हमारे साथ हो रहा है? भगवान का दया, तुम्हारे पास तो सब लोग हैं यार। चलो यार लेट हो रहे हैं, टाइम हो रहा है। क्या बताऊं, चलो। क्या बड़बड़ा रहे थे? कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम तैयार हो। तैयार नहीं हो ना, मैं जैकेट चेंज करूंगी बस, फिर चल रहे हैं। अच्छा। A few moments later. सुधा। हाँ। ये पटे जाना। कितनी हवा चल रही है, बाप रे बाप। ये दो जैकेट है यार। कौन सी जैकेट पहन के चलूं? कोई सी डालो जो समझ में आ रही हो यार, ठंडी। कोई सी नहीं यार, तुम बताओ ना कौन से पहन के चलूं यार, फिर बाद में अपनी मर्जी से पहन लेता हूँ, बोलती हूँ कि ये अच्छा लग रहा, तुम वो अच्छा लग रहा, ये पहनना था वो पहनना था। ज्यादा गर्म रहता है, ठंड बहुत होती है, वैसे हिसाब से डाल लो यार। सामने दो है ना, दो के देखो, बता दो कि ये पहन लो कि वो पहन लो। कोई सी देख यार, वही डाल लो। तुम तो पूछने बेकार है यार, कोई चीज ना ऐसे मन मार के बताती हो तुम, ये पहन लो पहन लो। अब कैसे बताऊं, तुमसे अच्छे तो काम नहीं थी यार, कम से कम एक बारी में बता देती थी, बिना बोले बता देती थी तुम पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और नहीं लगता था दो मिनट में उतरवा देती थी कपड़े, और एक तुम्हें भी तुम्हें बताने में दिक्कत होती है। अच्छा, ओहो थोड़ी देर पहले वो भी याद आ रही थी क्या? तुम्हें तो बहाने चाहिए यार, ठीक हो गया ना, चलो तुम इसकी याद आ रही है, अब तो बाल की खाल निकालोगी। नहीं बाल की खाल क्या, अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रहे थे? अभी क्या बोल रहा था? जब हम घर में बैठे थे अभी, आप ही मैंने किसी खोया। अच्छा आपको वो याद आ रही है, उसकी याद आ रही है आपको? याद तो आएगी ना, जब तुम कुछ बताओगी नहीं कुछ ऐसी, तो कमी तो खुलेगी ना यार। बिल्कुल, चलो तुम अब चलो, चलिए रहे हो, अभी पहन लो कपड़े।
ठंड हो रही है बाहर? अरे कुछ भी लपेट लो तुम, चलो ठंड हो रही है बहुत बाहर। तुम्हारे कहने से कुछ भी लपेट लो ना, ना बुरा। तो मैं भी कह दो ना कुछ भी किसी का नाम लेके। Much, much, much later. कहाँ रह गई यार तुम्हारी मम्मी अभी तक? वो आ रही है? वो आ रही। चलो आई तो सही, पता नहीं कितनी देर और वेट कराएगी। आइए, आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका, पता नहीं कब से बस के आएंगे आप। हुआ ही नहीं काम। काम नहीं हुआ तो गेट पे क्यों अपनी वो निकाल रही हो दुश्मनी? इतनी जोर की गेट मारे, गाड़ी हिला दी पूरी। गाड़ी नहीं, कितनी जोर की गेट बंद बंद करा पूरे। पता है आदमी खून खून पसीने से कमा रहा, खून पसीने से खरीदी गाड़ी है। हाँ, मुझे तो पता नहीं ना, मुझे तो पता था तीन नंबर काम करके लाए हो। तुमसे बढ़िया तो मेरी एक्स थी, कम से कम जब मेरे पे पहले साबुनदानी थी ऐसे रखती थी संभाले, गेट ऐसे हल्के से बंद करती थी। यार ऐसे मुझे इतना नीचे दिखाने की क्या जरूरत है, मतलब मैं धीरे से तो बंद करा है। अरे धीरे से बंद तो वो करती थी यार, काम नहीं भाई। तो सब कुछ वही अच्छे से करती थी ना, मैं ही तो बेकार हूँ। अरे उसे पता था भाई बंदा कैसे खून पसीने से कमा रहा है, कितनी मेहनत से कमा रहा है। तुम एक काम कर लो या तो तुम छुट्टे चल लो, घर से देख रही तुम्हारे ड्रामे। ये थी तो वो थी तो ये था, फिर मैं आई क्यों? बदकिस्मती से रहा है। गाड़ी गेट ना हल्के से बंद करेगा और समझ गई ना। शुक्र मनाओ मैं शरीर नहीं थे उस टाइम पे, ना जीप से चार के साफ कर देती। कर भी देती वो, कर भी देती थी। मेरी साबुनदानी 800 को ऐसे ऐसे रखती थी एकदम आंखों पे पलकों पे, और एक तुम ऐसे यार तुम तो ना हर बात। अरे तुम चुप रहो, चलो। एक्स जब भी तो याद आती है इतनी। यार चुप चल के गाड़ी चला लो, साला वाइट जीट नहीं हो जाएगा तुम्हारा भी। बेल्ट लगाओ। लगा लूंगी मैं, पता चले गिर जाओ नीचे गेट पे खोल के। हाँ तुम्हारा बस नहीं चल रहा ना, गिर ही दो मुझे। अरे ठीक है यार, दिमाग खराब, खामा खा दिमाग खराब कर रही यार। क्या ऑफिस से फोन था? बोल रहे कि तुम्हें साउथ में जाना पड़ सकता है, केरल में, केरला। वहाँ पे कोई बंदा भी अर्जेंट में तो छोड़ गया है, तुम्हें वहाँ रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ हाइक भी दे देंगे तुम्हें। मतलब अरे मना कर दिया मैं, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता छोड़ के अपनी फैमिली को। पैकेज भी कह रहे हैं बढ़ा देंगे, मतलब जो तुम कहो, लेकिन फिलहाल अभी अर्जेंट बेस में जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम खुद ही तो कह रहे हो नहीं हो पाएगा। बस तुम्हें तुम्हारी शुरू से ही आदत है, तुम शुरू से ही ना मुझे डीमोटिवेटेड करती आई हो, कभी तुमने मोटिवेट ही नहीं करा, कभी ये भी निकाल के पंप मार के हाँ भी कर लोगे तुम, चाह ठीक है कर लोगे। तो क्या दिखाने के लिए बोले पंप मार के यार, अजीब बात कर रहे हो तुम, मुझे पता तुम नहीं रह पाते हो, इसलिए नहीं रह पाते हो। तुम क्या बोल नहीं सकती हो कि तुम कर लोगे, तुम ट्राई तो करो पैसा। अरे ऐसे बोल दो हाँ तुम कर लोगे जाओ, मुझे पता तुम नहीं कर पाओगे। अरे तुम्हारी शुरू से मैंने तुम्हें नोट करा है, तुम्हारी यही आदत रही, तुमने हर चीज मेरे को हर ऑफर को ना डाउन फुल्ली करा, तुमने घेर रही है, कभी नहीं बोला कि कभी हाँ तुम कर सकते हो, कोशिश करो। तुम्हारी जगह अगर क्या मेरी जगह क्या बोलो ना यार, तुम अब क्या मेरी जगह क्या तुम्हारी जगह अगर मेरी एक्स होती ना, काम नहीं बंदी कहती यू कैन डू इट, करोगे तुम, कर सकते हो, मत करो कोशिश करो। अच्छा हरदम उसने मुझे बढ़ावा दिया था यार जब वो थी, और तुम हमेशा कुछ ज्यादा नहीं पता तुम उसके बारे में। मुझे पता है ना तुम उसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अपने ठंडे हो रहे पैर जाकर हीटर पे सेको, तो हीटर से कम हो रहे क्या पैर? क्यों लगवा रहे मां जा, मैं कह रही हूँ हाथ में लगाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर तुम्हारी जगह एक्स होती ना, वो कहती लो मेरे हाथों में अपना पैर रख लो, पहले तुम अपना पैर गर्म करो। तुम्हारी कल से ड्रामा मचा रखा है बिल्कुल, तो ये होता है और तीसरी बार दिखाओ हट यहाँ से, उतरो उतरो जाओ। कभी उसने बहस भी नहीं करी तुम्हारी तरह से, तुम बहस करती हो, जाओ आर्गुमेंट करती हो।
तुम जा सकते हो, जाओ जाओ, मुझे पता तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। हम सबको पता था हमारा बंदा कौन सा क्या कर रहा है, तुम्हें बोलते से पता है मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, ठीक है। कितना नहीं समझाती थी कभी वो तुम्हारे दर्जे तक कभी वो तुम्हारे तरह खींचती नहीं थी। ठंडे लग रहे पैर, इतने गंदे वाले जा रहे हीटर पे से को। जन पत्नी का पहला धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। अच्छा कहाँ लिखा है? शास्त्रों में। मैं शास्त्र पढ़ाऊँ तुम्हें? बल्कि पति अपने पत्नी की सेवा करते हैं, पता नहीं कौन से उल्टे पड़ गए। इसलिए भगवान ने अपने 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 से पहले अपनी पत्नियों का नाम सीताराम बोलते हैं ना, राधे श्याम बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते हैं? हमेशा पत्नियों का नाम पहले आता है, लेकिन ये कलयुग है ना, ये कलयुग की पत्नी है सारे। फिर से ठिकाना नहीं है, सच्ची कह रही हूँ, तुम लोग ठिकाना नहीं है। जाकर अपने चूल्हे में डाल लो, चूल्हे में डाल लो। पब्लिक डिमांड की जरूरत ही ज्यादा बकवास करो, ठंड अभी जरा गर्मी वाला जरा कुछ प्रैंक लाओ, थोड़ी जो तुम्हारी जो अंदर से गर्मी जो ज्वलन सी निकली ना गुस्से की। कभी आदमी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये देखो कभी मेरी एक्स कभी इस तरीके से कभी रजाई मुंह करके नहीं सोई जैसे सोती है। ज्यादा हो रहा है, मैं बता रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। ज्यादा क्या हो रहा है यार, फिर इसका तो हर जाना तो भुगतना पड़ेगा, बैक कैमरा में ध्यान रखना। तो गाइस मैं ना आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, जरा मैं ये देखूँ कि बैक कैमरे के पीछे मुझे क्या हर्जाना बना पड़ सकता है। भाई वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।